सत श्रीकाल, नमस्ते साहब। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की फ़्लाइट 17 मई से स्टार्ट होने जा रही है। JCA ने मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान ये बताया गया है कि 17 मई से जो तैयारियां हैं वो तेज़ कर दी जाएँ। सऊदी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि जितनी भी तैयारी है सबको तेज़ किया जाए। जितनी भी एयरलाइन है सबको प्रोटोकॉल के लिए जो है मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी जो प्रतिबंधित देश थे, जो 20 के करीब प्रतिबंधित देश थे जिनकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, जिनको बाया होके आना था सऊदी अरेबिया, उनके ऊपर जो है मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया से भी डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 17 मई से जितने भी सऊदी अरब के लोग हैं वो किसी भी देश में आ जा सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, ज़मीनी रास्ते हैं, हवाई रास्ते हैं, सबके जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें सऊदी एयरलाइंस ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है 17 मई से जो स्टार्ट हो जाएगी। और साथ साथ आप ये पॉइंट भी देखिए, उसमें कहा है कि भाई जो प्रतिबंधित देश हैं उनकी फ़्लाइट 17 मई से चालू होती है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम मीडिया की बात करें, इंडिया में फ़िलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और जिन देशों में कोरोना केसेस ज़्यादा हैं उनको ही प्रतिबंधित देशों में रखा गया था, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई थी। तो भाई, अगर साफ साफ हम ये बात करें कि सऊदी अरब के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होगी 17 मई से या नहीं, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 17 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है सऊदी अरब से, जिसमें सऊदी एयरलाइन मेन भूमिका निभा रहा है। उसके साथ साथ और एयरलाइंस को भी प्रोटोकॉल दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब तक अगली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती इंडिया के रिगार्डिंग कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है, तब तक करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो गाइस, ये छोटी सी जो वीडियो है इसी इन्फॉर्मेशन के लिए थी। आगे की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।